बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं रशियन कटलेट्स, जिसके लिए हमने लिए है 400 ग्राम चिकन, 5 से 6 आलू, 2 शिमला मिर्च, 2 गाजर और 2 अंडे और बारीक कतरी हुई हरी मिर्ची, एक छोटी अंबारी मसाला, घाटी मसाला और नमक, 1 चम्मच अदरक लहसुन और तेल तलने के हिसाब से और सेवियाँ, 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे, जिसमें सबसे पहले हम डालेंगे प्याज। गैस को फास्ट आंच पे रखे हैं प्याज हल्के गुलाबी होने के लिए और हम इसमें 1 चम्मच कूटा हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे। हरी मिर्ची, नमक, इसमें हम डालेंगे बारीक शिमला मिर्ची कटी हुई। गाजर को हमने कद्दूकस कर लिए हैं। हमने सिलो आंच पे इसको 5 मिनट पकाए हैं। अब इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन को बॉईल करके इसके बारीक बारीक रेशे कर दिए हैं। 1 पैकेट मैगी मसाला डाल रहे हैं, इसके साथ में ये आलू डाल दे रहे हैं। अभी इसको हम मस्क कर देंगे। हमने अभी गैस बंद कर रहे हैं। अभी इसको बाउल में निकाल के एक साथ मिक्स कर देंगे और ठंडा होने को देंगे। अभी हम कटलेट को शेप देंगे, जैसा चाहिए अपने मर्जी से उस हिसाब से शेप दे सकते हैं इसको। अभी हम इसको गोल्ड शेप दे दे रहे हैं इस तरीके से, गोल्ड शेप दे दे रहे हैं हल्के हाथ से। इसे गोल बन जाने ना, इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं फ्रीजर में, एयरटाइट डब्बे में। अभी हम इसको फ्राई करेंगे 2 किस्म से, एक क्रिस्पी और एक सॉफ्ट रहेगा। हम शुरू करते हैं फ्राई करने के लिए। सबसे ये हम बना रहे हैं क्रिस्पी कटलेट्स। इसको पहले अंडे में ये कर लिए, मिला लिए। अभी इसको सेवियों में मिला रहे हैं इस तरीके से। ये हो गया है, मीडियम आंच में एक साइड से हो चुका। अभी हम इसको पलटी कर देंगे। ये हमारे क्रिस्पी कटलेट्स तैयार हो गए। अभी हम इसको आइस ट्रे से निकालेंगे। हमने पहले बनाए थे क्रिस्पी, अभी बनाए जा रहे हैं सॉफ्ट और जूसी। इसके लिए सबसे पहले हम इसको सेवियों में लपेट लेंगे इस तरीके से। फिर इसमें एग में, अंडे में डाल के डीप करके निकाल देंगे। इसको नरम पाव या डबल रोटी के साथ में भी खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। ये एक साइड से हो चुके हैं, दोनों तरफ से ये हो गए हैं तैयार। अभी हम इसको निकालेंगे प्लेट में। क्रिस्पी है खाली, केचप के साथ खा सकते हैं। ये सॉफ्ट और जूसी है, इसको आप डबल रोटी के साथ में, नरम पाव के साथ खा सकते हैं। आप लोग बनाइए और कमेंट करके लिखे कि आपको कौन सा वाला पसंद आया। और मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।